जब बोले कि अभी मैं उठाऊँ और टाइम हो गया है सुबह के 10 और सॉरी सुबह के 11 बज गए और अभी मैं 10 बजे उठा था, मैंने अलार्म वगैरह लगाया सारा कुछ। और उसके बाद ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो मैंने करी आज सुबह मॉर्निंग में, कि मैं उठने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा एक हल्का सा आँख लेता हूँ, 5 मिनट उठ गया हूँ। 5 मिनट में जैसे मैंने प्लान किया उठने का, मेरे को सीधे 11 बजे मेरी आँख खुली, क्योंकि कल मैं 4 बजे तक अराउंड बैठा हुआ था। थोड़ा सा मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, अभी मैंने भाई से भी बात करी, हम लोग फटाफट थोड़ी देर में पॉडकास्ट के लिए निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भी लेट हो गया सारी की सारी चीज़ें करने में। और भी कंफर्मेशन भी आ गया सारा का, ग्रीन लाइट मिल गई है, निकलते हैं फटाक से हम लोग पॉडकास्ट में पॉडकास्ट के लिए। और अपना भाई का भी एक कॉल आ रहा था, यथार्थ भाई का भी, तो पॉसिबली वो भी दिल्ली आ रहे शायद देहरादून से, तो लेट्स सी क्या सीन बनता है। अगर 1-2 दिन में वो आते हैं तो यथार्थ भाई से भी मिलते हैं और साथ में वर्कआउट वगैरह करेंगे। अभी तो मैं निकल रहा हूँ फटाफट, अभी मेरे को फटाफट निकलना है गुड़गांव के लिए, तो मेरे को लाइट्स वगैरह उठाने के लिए जाना है अभी, भाई के वहाँ पे रखी हुई हैं लाइट्स, तो मैं वहाँ निकलूँगा अभी। एक बार मैं शरण भाई को कॉल करता हूँ कि फटाफट आ जाओ भाई, और एक लाइट वहाँ से आएगा, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह लेके सीधे फटाक से मैं निकलूँगा शूट के लिए। और अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जनरल डेली प्रोसीजर सारे के सारे करके फटाक, मतलब जितने जल्दी होता है उतने जल्दी निकल पाता हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा, इतना ज़्यादा शायद मैं अभी सारी घर की एक्टिविटी व्लॉग नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, या मैं कोशिश करूँगा, लेट्स सी। रात के मैं थोड़े से बर्तन धो रहा हूँ और अपना प्रोटीन शेक अभी फटाक से रेडी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हो रहा हूँ मैं फटाफट रेडी पॉडकास्ट के लिए। तो आज की अपनी आउटफिट है ये शर्ट, और इसके साथ मैं पहनूंगा एक पैराशूट पैंट ब्लैक रंग की। प्रोटीन शेक में जल्दी से कर रहा हूँ रेडी, शूज ऑन हो गए, तो ये अपनी आज की पूरी पूरी आउटफिट ऑफ द डे ऑर्डर पे कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा हूँ। चला जाएगा फटाफट, चलो सामान रख लिया सारा का सारा, बस हम लोग निकल रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। माइक वगैरह सब अंदर ही पैक कर दिया है, तो थोड़ा ऑडियो की इशू आएगा यहाँ पे अभी, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं पॉडकास्ट पे। चलो भाई ये हो गया, निपट गया, फटाफट निकल रहे हम लोग। एक एक सेटअप ये लाइट का हमने उठा लिया है, और ये अपना ट्राईपॉड है एक का, और ये अपना एक ट्राईपॉड है, ये मोनोपॉड है रिकॉर्डिंग करने के लिए, और ये ब्लॉग अपना रेडी है। पर अब फटाफट हम निकलते हैं, अभी सामान उठाना था लाइट वगैरह, अंदर कोई सोया हुआ इतना भयंकर, गेट खुल नहीं रहा, तो अपन ने यूट्यूब पे देखी एक वीडियो, ताला तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर खुल गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर कुछ दूसरा जुगाड़ पानी इसका हम देखेंगे। ताला तो टूटा नहीं, फाइनली गेट खुल गया,
यूट्यूब की वीडियोस ना देखा करो, ये बनाते हैं बेवकूफ, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली हम लोग निकल गए हैं अभी पॉडकास्ट शूट करने के लिए। सारा का सारा सामान हमारा बैग में पैक्ड है, तो इस वजह से अभी माइक भी नहीं है मेरे पास। माइक भी मैंने पैक करवाया है, थोड़ा सा बजट पे चल रहे हैं। 12-13 हज़ार रुपये के माइक्स हैं, तो वैसे ही बड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो एक ही माइक पड़ा हुआ है मतलब 1-on-1 सेटअप के लिए, तो वो भी बैग के अंदर रखा हुआ है मैंने। बाकी ये कॉइल आपके काम की तो खैर कुछ नहीं है, ये मैं किसी के लिए लेके जा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी पॉडकास्ट शूट करना है, आज हमने आज फटाफट पॉडकास्ट शूट करेंगे। थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, दिन का लंच भी मेरा आज रह गया, अभी तक मैंने नहीं करा हुआ है थोड़ा सा। तो अभी मैं जाके जो प्री वर्कआउट मील है वो वहीं पे जाके, जहाँ जो वेन्यू है वहीं पे जाके मैं कंज्यूम करूँगा। उसके बाद फिर शाम को लेट्स सी कि जिम तो मैं आज मिस नहीं करूँगा पॉसिबली। या तो मुझे गुड़गांव में जिम जाना पड़ेगा, या फिर मैं गुड़गांव से आके मेरे को रात में जिम जाना पड़ेगा 10, 9, 11 जितने भी देर की है। पॉसिबली ज़्यादा मूवमेंट आज मैं कर नहीं पाऊँगा टाइम की वजह से। अगर गुड़गांव में हम लोग जिम कर लेते हैं तो ठीक है, देखते हैं कि पॉडकास्ट शूट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे का मैं अजम्पशन है मेरा कि इतना टाइम हमारा स्पेंड हो जाएगा। बट उसके अलावा जितना भी टाइम होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं गुड़गांव में ही जिम कर लूँ। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर आके मेरे को वापस अपने जिम में जिम करना पड़ेगा। कल हमने क्या करा था शरण? कल एब्स करी थी। चेस्ट किया था? चेस्ट की थी और थोड़ा सा कार्डियो किया था। आज पॉसिबली कार्डियो करने का टाइम ना मिल पाए, बट उसके जगह पे हम जो अपनी बेसिक एक्सरसाइज है, एक मूवमेंट हम लोग चेस्ट हो गया, तो आज पॉसिबली हम लोग लेग और शोल्डर करेंगे, या फिर हम लोग बैक और बाइसेप्स करेंगे, देखते हैं। बाकी एक बार मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेता हूँ कि किस हिसाब से मैंने प्लान करा है। तो बाकी मिलते हैं सीधे आप पॉडकास्ट के टाइम पे। चलिए हम आ गए हैं पॉडकास्ट शूट करने के लिए। अभी लोकेशन पे जा रहे हैं, बस लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको कि कहाँ पर आए हैं। गुड़गांव हम आ गए, अब बस शूट की लोकेशन पे जा रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। तो अभी आ गए अपन लोग जिम के लिए जा रहे हैं फटाफट। आज क्या मूवमेंट मारना है हमने? कल मारे थे चेस्ट, और आज शोल्डर और लेग्स का मूवमेंट मारना था, बट मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूज़डे, हाँ शोल्डर लेग्स मारने, तो आज शोल्डर और लेग्स का मूवमेंट करेंगे फटाफट। और वही है, अराउंड 5-6 मूवमेंट रहेंगे लेग्स के और 3-4 मूवमेंट रहेंगे शोल्डर के। फटाफट मार के आज निकलेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 7:30 हो गया। अभी गुड़गांव में ही हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर वर्कआउट करके फिर अपना घर को वर्कआउट करके फिर डायरेक्टली निकलते हैं। अभी बस चलते हैं जिम को। चलो आ जाओ भाई। We'll be right back.
जा रहे हैं सोना लेना, सोना लेके फटाक से हम लोग निकलेंगे दिल्ली को, फिर उसके बाद सोना लेंगे और सोना के साथ लेंगे स्ट्रीम, क्योंकि सोना के बाद स्ट्रीम लेना जरूरी है, क्योंकि सोना डार्लिंग कहती हैं कि स्ट्रीम के बिना मत जाना। तो सोना डार्लिंग की बात सुने और स्ट्रीम ले, अब मैं फटाफट निकल रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे ब्लॉग के एडिट पे बैठूंगा और मिलते हैं जल्दी डाइट के, डाइट भी लेनी है मेरे को भी याद है। ये अपना जिम का एरिया है सारा का सारा, अभी हम लोग फटाफट निकल रहे हैं सोना के लिए। ये हम आ गए लिफ्ट के अंदर भाई, पूरी टीम आ गई। शरण भाई हेलो बोल दो। शरण भाई का आज मन नहीं था वर्कआउट करने का, लेकिन ज़बरदस्ती करवा दिया वर्कआउट। अशोक भाई अशोक भाई के साथ जल्दी हम लोग आएंगे पॉडकास्ट पे। चलो सत्तू सत्तू, इसके बाद डाइट में खाएंगे सत्तू। चलो ठीक है, सत्तू खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। देखो भाई आप बीच में बैठो, यहाँ बैठो। ऐसे स्टोन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, हीटिंग स्टोन्स, और यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं गुब्बू भाई, हमारे यहाँ बनगी रेल जयवर्धन सिंह भाई। देखो ऐसा बस बना रहे दोस्तों। ये हो गया सोना डन अपना, अब फटाक से जा रहे स्टीम के लिए। ये भी करंट फोटो, चलो 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 चलो, ये देख लो स्टीम बात कर जाएगी फटाक से। फाइनल सेशन है अब कोल्ड शावर का, फटाक से कोल्ड शावर पे जा रहे हैं। सोना नहीं, सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले करा हमने सोना, फिर और सोना करने के बाद हमने करा स्टीम, अब हम करने जा रहे हैं कोल्ड शावर। लेट्स गो। फाइनली डन, अब निकल रहे हैं हम लोग जल्दी से वापस ऊपर, और फिर हल्का सा प्रोटीन शेक और थोड़ा क्रिएटिन भी, आज क्रिएटिन लिया मैंने, क्रिएटिन और थोड़ी सी मल्टीविटामिंस लेके सीधे मेन डिनर पे जाऊंगा। और आज निकलना है, अभी थोड़ा सा लेट हो गया हमें, तो हम लोग फटाफट निकलेंगे उसके बाद। 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 11-12 बजे के आसपास, 10:30 तक हम लोग कोशिश करेंगे निकल जाए यहाँ से। 30 ग्राम प्रोटीन सिंथेसिक्स आज, और इसके अलावा मल्टी वाइटामिन्स में ले रहा हूँ, मल्टी वाइटामिन्स थोड़ा सा मल्टीवाइटामिन्स खिलाए जाएंगे हम। मल्टीवाइटामिन सबसे पहले खाना जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है बताना भाई जरा इनको लोगों को। सबसे पहले जरूरी है फ्रूट एक्सट्रैक्टेड मल्टीवाइटामिन खा सकते हो आप। ये क्या 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 वाइटामिन है, पूरा कंप्लीट मल्टीवाइटामिन, कंप्लीट मल्टीवाइटामिन एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। नहीं नहीं ये दो खा लो, एक खाई भी है मैंने, क्या एक मल्टीवाइटामिन खाई भी है, चल रहे हैं ध्यान दे दो, ये खा ले एक मल्टीवाइटामिन। आर्कटिक सी फिश ऑयल ले ले, एक तीन फिश ऑयल ले, तीन फिश ऑयल ज्यादा हो जाएगी, एक कम कर दे, नहीं तीन खा, तीन दो तीन कम से कम खाने होते हैं। फिल्ड शॉप ग्रीन मत खा, इम्यूनो ब्लेंड, तेरे को क्या मल्टीवाइटामिन पूरा करना है बस, मेरे को एक कैल्शियम और दे दे, नहीं कैल्शियम के जगह तेरे को ले विटामिन K2 खा, एक विटामिन K2 मैं आज ऐड कर रहा हूं, विटामिन K2 खा डाइट पे, और एक मैग्नीशियम खा, नींद अच्छी आएगी, एक मैग्नीशियम खाओ, एक मैग्नीशियम खाओ, और एक खाओ इसके लीवर थ्रिस्टल खा, प्रोटीन ज़्यादा पिएगा तो प्रोटीन तेरा लोड ना डाले, तो ये दो थ्रिस्टल खा, एक ही एक ही दे, ये कम कर, एक ही थ्रिस्टल खा, कोई दिक्कत नहीं, डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेशन के लिए नहीं होता वो, प्रोटीन का भी मतलब एब्जॉर्प्शन ठीक है अपना, एक खाओ लीवर पे इससे लोड नहीं पड़ेगा, लीवर तुम्हारा हेल्दी रहेगा, उसका उससे मतलब नहीं है कोई, और गार्निशर और इतना ठीक है, काफ़ी है, इतना खा ले, एक कैल्शियम भी और देते मेरे को, कैल्शियम हाँ कैल्शियम लो, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खिलाते हैं तुम्हें बढ़िया वाला, कैल्शियम खिलाते हैं तुम्हें फॉरएवर का, नेशनल में सबसे बढ़िया कैल्शियम भी है इसमें, इसमें मल्टीविटामिन्स भी हैं, एक 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 से फायदा नहीं होगा इसमें, एक 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 कम होता है, खा 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 ले, ये दो कम से कम खाएगा तो कैल्शियम पूरा होगा, आरडी वैल्यू के हिसाब से, मैं आरडी वैल्यू कह रहा हूं सर, इसकी लो परसेंटेज, चलो स्टूडियो से अगर दिख रहा है आपको, ओ तारे दिखते शक्ति आए, अच्छा
की पार्टी वार्टी हो गई। लोग एक काम करो, खाना वाना खा के निकल रहे हैं लोग बस फटाक से। तुम्हें बहुत हाँ फिर बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेट हो गया है ऑलरेडी हमें। चलो बट ठीक है, ये दिखा दिया हल्का फुल्का ब्लॉग में। चलो चलो चलो, अगली बार तो दूसरे स्टूडियो का टूर कराएंगे, अभी तो यार टूर, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टूडियो। ओके सर, अभी अपन लोग निकल गए हैं गुड़गांव से और ये मेरी डाइट का फाइनल लास्ट मील है और इसमें है चिकन 250 ग्राम और राइस है, वेजिटेबल्स है सॉर्टेड और ये आज ऑर्डर करके मेरे को बाहर से खाना पड़ रहा है। ये बस अभी मैं कार में बैठे बैठे खा लूँगा और उसके बाद मैं आपको सीधा सुबह मिलूँगा अगले ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर योर टाइम और मिलते हैं। और काफ़ी हेक्टिक रहा दिन का, आज पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाया लेकिन आज दिन बहुत अच्छा था। हमने जिम गए, बढ़िया सोना वगैरह लिया और क्या लिया था हमने भाई, स्टीम ली थी और फिर उसके बाद कोल्ड शार लिया था, वाटर शार कोल्ड शार। और फिर उसके बाद हम लोग आए थे, थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, मैंने प्रोटीन शेक पिया थोड़ा सा, सिंथासिक्स और उसके अलावा मल्टी वाइटामिन लिए। आज मैंने मॉर्निंग में भी मल्टी वाइटामिन लिए, नहीं लिए थे मैंने बाद में रियलाइज़ किया, तो तभी मैंने एक साथ ज़्यादा मल्टीवाइटामिन ले लिया। अभी मैं फाइनल मील लूँगा कार में बैठे बैठे और फिर मिलते हैं सीधा सुबह। और अगर अभी तक लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पे तो ब्लैंक वाइज मैन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और उसके अलावा सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और क्या होता है भाई, और कॉमेंट ज़रूर करना जो भी बेस्ट पार्ट आपको लगा वीडियो का। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम और आपका दिन मंगलमय हो और सुबह मिलते हैं जब बोलेंगे।